नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। वक्त हो चला है शाम की 50 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का, युद्ध विराम के कारण पीओके पाक का हिस्सा, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का बनना तय। अमित शाह ने की बीजेपी और जनसंघ की तारीफ का, जब से हम वजूद में आए हैं तब से 370 के खिलाफ थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, का हॉलीवुड फिल्मों की सीडी और जिम, कश्मीर में नजरबंद नेताओं को मिल रही है पूरी सुविधा। अनुच्छेद 370 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, का अनुच्छेद 370 कैंसर था जिसने खून बहाया। आज ह्यूस्टन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हजारों लोगों की मौजूदगी में होगी मुलाकात। ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने पेश की स्वच्छता की मिसाल, गिरा हुआ फूल खुद उठाकर सबको चौंकाया। ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों से मिले पीएम मोदी, बोले जो आपने कष्ट झेला है वो कम नहीं। ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने ऊर्जा कंपनियों के 17 सीईओ से की वार्ता, अमेरिका से एलएनजी पर करार। भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा ह्यूस्टन के लिए बड़ी बात। हाउडी मोदी के लिए ह्यूस्टन है तैयार, पर बिके 50,000 टिकट। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर थरूर ने केंद्र पर उठाए सवाल, बोले पिछले 6 वर्षों में क्या देखा। अक्षरधाम मंदिर के पास पुलिस वाहन पर 4 अज्ञात बदमाशों ने की गोलीबारी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टैक्सी स्टैंड और एलडी अस्पताल का किया दौरा। अयोध्या मामला, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने जारी किया समन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उठी एनआरसी की कवायद, पुलिस तैयार कर रही है अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट। झारखंड में अलकायदा का वांछित आतंकवादी मौलाना कलीमुद्दीन जमशेदपुर से गिरफ्तार। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर, लोगों के घरों में घुसा पानी। अरुणाचल के तवांग जिले में पहुंची रेलवे लाइन, सीएम प्रेमा खांडू ने कहा इससे चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। स्वामी चिन्मयानंद मामला, एसआईटी के निशाने पर छात्रा, हो सकती है गिरफ्तारी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस जांच में जुटी। मंदी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, दुनिया भर में मंदी का दौर, टैक्स कटौती से निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। विजयदशमी के मौके पर संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे आईटी के दिग्गज शिव नादर, आईएसआई ने भेजा। देश भर में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए किलो, स्टॉक की सीमा पर विचार कर रही है सरकार। पूर्वजों की तृप्ति के लिए आगे आई बेटियां, पौत्री नंदिता ने किया अटल बिहारी वाजपेयी का श्राद्ध। 3 नोबेल विजेताओं ने गेट्स फाउंडेशन को लिखा पत्र, पीएम मोदी से अवार्ड वापस लेने की अपील। यूपी में खुले में अंडरगारमेंट सुखाना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दरिंदों ने बनाया गैंगरेप का वीडियो, पिता पहुंचने थाने तो पुलिस ने पीटा। राजधानी दिल्ली में चोरी के शक में 44 साल की महिला की पीट पीट कर हत्या। अवैध संबंध के शक में दिल्ली में पत्नी का कत्ल, शव को सेप्टिक टैंक में डाला। राजधानी में चेन चीन कर भागे बदमाश, कार के नीचे आते आते बची महिला। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में नंदू गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, एक को लगी गोली। नंदनकानन चिड़ियाघर में वायरस अटैक, 4 हाथियों की मौत से मची सनसनी। आर्थिक राजधानी मुंबई में माता पिता ने पबजी खेलने से मना किया तो नाबालिग ने छोड़ दिया अपना घर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिख समुदाय की मोदी से मांग, गुरु नानक जी के नाम पर हो दिल्ली एयरपोर्ट का नाम। जन को तो बाई ने सबसे पहले की थी एवरेस्ट की चढ़ाई, गूगल ने सम्मान में बनाया डूडल। माता वैष्णो देवी के दरबार में लगेगा सोने और चांदी से बना द्वार, नवरात्रि की तैयारियां हो चुकी है शुरू। बेटी मेहर को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते अंगद बेदी, बताई बड़ी वजह। 100 करोड़ के करीब बढ़ रही है आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल, बॉक्स ऑफिस पर कमाए 77 करोड़ से ज्यादा। एयरपोर्ट पर दिखा के आर आडवाणी का स्पोर्टी लुक, कैरी किया 2 लाख रुपए का बैग। नाइट वियर में हिना खान का फोटोशूट, दिखा ग्लैमरस लुक, फोटोज हो रही है वायरल।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका। दीपक पूनिया फाइनल मुकाबले से हुए बाहर, रजत पदक से करना पड़ा संतोष। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बेंगलुरु में तीसरा T20 मैच, आज सीरीज जीतकर इतिहास रचना चाहेगी विराट ब्रिगेड। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित गौरव, मिल के कार से 3 लोगों की मौत। दूसरे के प्लेन से US पहुंचे इमरान खान, PM मोदी के लिए बिछा था रेड कार्पेट। बलोच, सिंधी और पख्तून समूहों का PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से मदद की है आस। एंटी LGBT प्रदर्शनकारियों के सामने आए गे कपल, फोटोज हुई वायरल। जम्मू कश्मीर के RSpura सेक्टर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। पाक एयरलाइंस की हालत है खराब, बिना यात्रियों के ही उड़े 82 विमान, 18 करोड़ का नुकसान। फिलहाल 50 बड़ी खबरों के लिए इतना ही, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो से।